एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। आज मैं बना रही हूँ फिश, एंड इसे बंगाली में माछ कहते हैं, तो मैं माछ भात बनाई आज। और इसे बनाने के लिए मैं पहले फिश को अच्छे से धो ली, उसके बाद मैं उसमें टर्मरिक, रेड चिली पाउडर एंड 1 स्पून मैं सॉल्ट ऐड कर ली, और उसके बाद मैं ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक का पेस्ट उसमें ऐड कर ली। फिर जब मैं इसको ऐड कर ली इसमें, फिर सारे को मैं मिक्स कर ली अच्छे से। उसमें एक एक फिश में अच्छे से मिक्स होना चाहिए ये। और जब ये मिक्स हो गया, उसके बाद मैं उसे 10 मिनट्स के लिए रख दी साइड करके। फिर मैं एक पैन ली, उसमें मैं 4 स्पून ऑयल ऐड की। सारा फिश अच्छे से फ्राई हो चुका है, और उसमें से मुझे एक फिश कुछ ऐसा दिखा जो कि हार्ट शेप का था। इसे तो मैंने ही खाया है। एक मिक्सी जार में मैं प्याज ऐड कर ली, कम से कम 3 प्याज होना चाहिए। उसके बाद उसमें 2 टमाटर ऐड करना है, और जो एक मैं पेस्ट बना के रखी थी चिली, जिंजर एंड गार्लिक का, उसे उसमें ऐड कर लेना है, और उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है मिक्सी में। और ये पेस्ट बन के रेडी है। फिर उसके बाद मैं फिर से पैन ली, और उसमें जो फिश जिसमें मैं फ्राई की थी उसका ऑयल है ये, उसका ऑयल अच्छे से छान के फिर उसको यूज़ करना है, ताकि उसका एक अच्छा सा जो सेंट होता है जो कि फ्राई होने पे था वो आ जाए फिर से। तो मैं वो पहला वाला ऑयल यूज़ की, उसके ऊपर मैंने जीरा ऐड किया, उसके ऊपर हींग ऐड की मैं। हींग का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि फ़िश को अच्छा टेस्ट देगा। फिर वो प्याज मैं उसमें ऐड कर ली, और अच्छे से सबको एक साथ मैं फ्राई की। फिर इसमें मैं जिंजर गार्लिक ऑनियन एंड चिली पेस्ट ऐड कर ली, 2 स्पून मैंने ऐड किया इसमें। फिर ये ऑनियन एंड सारा जो पेस्ट हमने मिलाया, इसे अच्छे से फ्राई करना है, कम से कम 10 मिनट्स तक फ्राई करनी है इसे। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, फिर उसमें टमाटो का पेस्ट ऐड करना है, और फिर उसे फ्राई करना है 10 मिनट्स के लिए। और जब ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएगा, तो फिर इसमें टर्मरिक, सॉल्ट, एंड कोरिएंडर पाउडर डालना है। उसके बाद रेड चिली पाउडर भी आप 1 स्पून उसमें ऐड कर लो, इसमें इसका कलर आ जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा फिश देखने में। फिर इसमें थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से चलाना है थोड़ी देर तक, आप इसे लो फ्लेम में ही करना। के बाद इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड करना है, चीनी से टेस्ट आएगा। और जब ये अच्छे से पक जाए, तो उसमें 1 ग्लास जितना पानी ऐड कर लेना है, और फिर ये ग्रेवी के लिए रेडी हो जाएगा। फिर इस ग्रेवी को थोड़ा चलाने के बाद इसमें 1 स्पून गरम मसाला ऐड करना है। और जब ग्रेवी अच्छे से पक जाए, तो लास्ट में इसमें आप कोरिएंडर लीव्स डाल सकते हो, इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसके बाद हमारा ग्रेवी ये बनके बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। अब मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी।